हाय एवरीवन, आज की जो ये हमारी वीडियो है ये टैली के ऊपर बेस होने वाली है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी इंडिया में जितनी भी कंपनी हैं वो सारी की सारी ज़्यादातर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट टैली पे मेंटेन करती है, और उसमें सब कामों में एक काम ये भी है एम्प्लॉय को सैलरी देना। लेकिन कंपनी क्या करती है कि पहले सैलरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक कर लेती है खर्चे, और बाद में अगले मंथ में या फिर बाद में उसे पे करती है। तो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि सैलरी पेबल हम कैसे खड़े करें और उसके बाद फिर पेमेंट कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। टैली खोल लिया है और एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे किसी भी नाम से। तो हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट कंपनी और एबीसी कुछ भी नाम से खोल लेंगे। एड्रेस जो होगा यहाँ एड्रेस डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। ये हमारी टैली हो गई। अब हम इसमें एंट्री लगाएंगे कि हम एम्प्लॉय की सैलरी पेबल कैसे एंट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर और यहाँ जनरल एंट्री। इसमें सिर्फ एक ही लेजर बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हम सबसे पहले बना लेंगे सैलरी पेबल अकाउंट का लेजर। सैलरी पेबल, इसको अंडर द हेड देंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। इसको किसी पर्टिकुलर पर्सन के भी नाम से बना सकते हैं अगर किसी पर्सन का पेबल अकाउंट है तो, या फिर ऐसे सैलरी पेबल के अकाउंट के नाम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और लेजर बनाएंगे सैलरी अकाउंट। इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लो 10,000 रुपये से डेबिट करना है हमें और सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फिर हम बैलेंस शीट में जाकर इसे चेक करेंगे तो हमें ये करंट लायबिलिटीज़ में दिख जाएगी। ये देखिए 10,000 की सैलरी पेबल आ गई। अगर फिर इसके बाद अगर हमें पे करना है फिर वैसे ही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे या तो हम कैश में पे करेंगे या फिर हमें ये बैंक से पे करनी होगी। तो यहाँ जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। पेमेंट वाउचर के अंदर जाएंगे सैलरी पेबल जो बनी हुई है सैलरी पेबल को फिर से हम डेबिट कर देंगे 10,000 से। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश बनी हुई मिल जाएगी। अगर हमें बैंक से पे करनी होगी तो बैंक की लेज़र बना लेंगे। लेज़र बनाने के लिए वही प्रोसेस है बैंक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है तो PNB अंडर द हेड बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम वगैरह वगैरह, फिर से सेव कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद।